अरे उधर ही ले देना, आने के कितने के लेंगे भाई। रुको ना, चलो इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जा, अलग लुक, अलग लुक, यहाँ पे आ जाओ, क्वीन इधर इधर सामने आ जाओ, सामने बस बस इधर रुकी ना, सुन सामने सामने आप लोग, सब लोग देख रहे हो ना, बिकॉज़ सब सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी थोड़ा हल्का चल रहा है, हल्का चल रहा है ना, आई नो हल्का चल रहा है। पहलका का इविक्शन हो गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ वो इविक्शन हो गया, मतलब ठीक है, वो हो जाता था हाइपर, मुझे भी लग रहा था कि वो हाइपर बहुत होता है, लेकिन हाथ वगैरह भी छोड़ता है। लेकिन फैंस का बोलना है कि मारपीट उसने नहीं किया, सिर्फ कॉलर पकड़ा था। पिछले सीजन में तो मारपीट भी हुई थी, किसी को टच नहीं कर सकते ना, ये मतलब नहीं है, किसी को आप झगड़ा कर सकते हो बट वहाँ पे मारना और ये कॉलर पकड़ना अलाउड नहीं है। लेकिन पिछले सीजन में सिद्धार्थ हो गया या OTT किया भी पीछे, उधर तो मारपीट हो रही थी, देखा नहीं है, इतना आइडिया नहीं। बट आप लोग जो कॉन्टेक्ट में बोला गया था कि कॉन्टेक्ट में नहीं है कि हाथ उठाना, तो ये नहीं है, हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी का कॉलर भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ही उनको प्रोवोक कर रहे थे, ये तो मजबूर तो करने सब करते ना एक दूसरे को, प्रोवोक कौन ही करता, कौन ही करता, कौन अभिषेक ने कितना प्रोवोक करते हैं, अभिषेक ने तो मुझे भी प्रोवोक बहुत किया था, तो क्या है, इनफैक्ट हो जाता है थोड़ा हाइपर तो होते ही। अच्छा अभिषेक और खान जादी कल आपस में मिल गए, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कैमरे के लिए सब फेक हो रहा है, खान जादी लगता है श्योर नहीं है अभी रिलेशनशिप के लिए, है वो सिर्फ गेम खेल ली ना कि वो रिश्ते बना लिया, ये फर्स्ट टाइम मुनावर खेलो, क्यों आप लोगों को पता है कि मुनावर नहीं नहीं वो बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे, पता है ये सलून वाला है वो, जिधर आप आए मेरे एरिया में रहता है, डुमरी का बंदा है, तो कॉन्टेक्ट में लिखा के गया था कि ट्रॉफी मिलेगी उसको, मिलेगी ऐसा कुछ कॉन्टेक्ट में लिखा के गया क्या? मुझे भी लग रहा है सब लोग लिखा के गए थे, इनफैक्ट हम नहीं लिखा गए, हमें जरूरत नहीं पड़ी लिखाने। हाँ वो लोग रहते तो फिर रिंकू का भी कहना है कि मुझे 3 हफ्ते कोई नहीं हिला सकता, शायद वो भी लिखा के गई। हाँ 10 हफ्ते का उनका भी कांटेक्ट होगा शायद, उसने बोला भी है ना, अंदर ही बोला है ना आप लोगों ने, अनुराग से बोला है कि हम 3 दिन नहीं हिलने वाले, 3 हफ्ते। आपको लगता है अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री होना चाहिए क्योंकि बिग बॉस का TRP थोड़ा लो होते जा रहा है या कुछ? इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई ना तो शो अलग लेवल जाएगा, जितना स्लो स्लो चल रहे हैं ना लोग सब स्पीड बढ़ जाएगा। आप तो नहीं जाने वाले? नहीं नहीं मेरा भी शो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि या फिर शो रहेगा या फिर मैं रहूँगा। अच्छा अगर जाने का मौका मिला तो आपका क्या विचार? जाने का मौका मिला तो उस टाइम देखेंगे, अभी ऐसा कुछ भी है नहीं, जाने का होगा तो अलग होगा ना चीज़ें, क्योंकि शो तो इतना ठंडा हो चुका है उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख रहे हो शो? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्यों, थोड़ा थोड़ा क्यों देख रहे हो? टाइम नहीं मिलता है ना। ओके शो में इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, वो भी नहीं आएगा इसीलिए नहीं आ रहा ना, क्योंकि सोनिया नहीं है ना, उनके फेवरेट ही रहेंगे शो में। अच्छा कल टीना दत्ता बोले थे बिग बॉस सिर्फ व्हाइट उनको ही दिखा रहे जो पॉजिटिव दिखा रहे, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, अब उन्होंने नाम नहीं लिए और पॉजिटिव मुझे लगता है हाँ पॉजिटिव दिखा रहे, उनका नेगेटिव कोई चीज़ नहीं बता रहे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? 24 घंटे में क्योंकि 2 घंटे का क्लिप काटना और सिर्फ पॉजिटिव बताना, उसके बारे में क्या बोलना? अंकिता के लिए उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम नहीं लिया तो फिर वो मनारा होगी, आई थिंक मनारा होगी, फिर डेफिनेटली मनारा होगी, मनारा होगी वो, मनारा तो मतलब अलग ही है, उसका करेक्टर अलग है, अलग है, डिफरेंट है, सबसे अलग है। उसने अभी एक्चुअली क्या अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं दिखाई है मनारा, लग रहा है आपका सेफ गेम खेल रही है, मुनावर की फैन फॉलोइंग और यूके राइडर की फैन फॉलोइंग है उस वजह से। एक्चुअली मनारा क्या कहते हैं मुनावर की बुराइयां भी बहुत करती है उधर जाके कि नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मैं तो अपना ही देखूंगी अलग, मैं तो अलग खेलूंगी, मैं यहाँ पे कोई नहीं आई, तो वो उसका टू फेस है मतलब मुझे लगता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुनावर को मुनावर एक्चुअली क्या ना ये रिलेशनशिप पे ना पड़े तो मुनावर बहुत अच्छा खेल सकता है, क्योंकि उसने पहले भी रियलिटी शो किया है लॉकअप, तो वो आई थिंक वो आगे निकल सकता है उस सॉन्ग।
पर ये रिलेशनशिप में ना, और आप लोग देखते रहिए बिग बॉस का, ऐसा मत कीजिए। बिग बॉस नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा? डेफिनेटली देखो। सुनिया जी सुनो, करते हो आप? बताओ, सुनाओ। इधर आओ, इधर विजुअल। बाय बाय बाय। वेट वेट, विजुअल विजुअल। थैंक यू। अरे सुनिया, वेट वेट, कम आज थोड़ा आगे जाओ। हां यस, ये वही ना बात। हां यहां पर, मैं यहां पर, सॉरी यहां पर, इधर लेफ्ट से, अभी इधर लेफ्ट से, लेफ्ट लो, राइट लो, लेफ्ट लो, राइट लो। ओके चलो, बाय, टेक केयर। दोने जी पीछे।